वेलकम टू कॉन्कर आईएएस एमपीपीएससी 2021 यूनिट 9 रोबोटिक्स क्लास फर्स्ट डे है। इसके पहले इलेक्ट्रॉनिक्स क्लासेस हो चुकी हैं, साथ ही इलेक्ट्रॉनिक्स का टेस्ट सीरीज भी, तो आप उसको कॉन्कर आईएएस प्लेलिस्ट में जाकर आप क्लासेस देख सकते हैं, क्योंकि ये सिलेबस में न्यू ऐड किया गया है। ठीक है, तो जो एमपीपीएससी के लिए दोस्तों काफ़ी आपको हेल्पफुल होगा, क्योंकि ये प्री में वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि रोबोटिक्स नया ऐड किया गया है, तो आज हम इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, रोबोटिक्स का डेवलपमेंट कैसे हुआ, अभी आज प्रेजेंट में क्या चल रहा है, इसकी हमारी दो से तीन क्लास में उसको हम रोबोट्स को कंप्लीट कर देंगे। तो आज हमारी पहली क्लासेस है। ठीक है, तो रोबोटिक्स, इसको हिंदी में भी रोबोटिक्स ही बोलेंगे दोस्तों। ठीक है, तो पहला पॉइंट, रोबोटिक्स शब्द और रोबोट से बना हुआ है। ठीक है, तो जो दोस्तों रोबोटिक्स है ये किससे बना हुआ है, ये रोबोट शब्द से मिला बना हुआ है। सर्वप्रथम प्रयोग एवं प्रकाशन और रोबोट से हुआ है रोबोटिक्स का। चेक लेखक, चेक एक गणराज्य है, तो करेल कॉमिक की नाटक RUR 1920 में रशियन इन्वर्शन रोबोटिक्स। ठीक है, RUR 1920 में हुआ। ठीक है, तो रोबोटिक्स से शब्द रोबोट से बना हुआ है, मतलब जो सर्वप्रथम प्रयोग प्रकाशन में आया, चेक लेखक करिल कॉमिक ने नाटक रूशियम इन्वर्सल रोबोटिक्स 1920 में किया। ठीक है, पहला। नेक्स्ट फर्स्ट पॉइंट, रोबोटिक्स शब्द का वास्तविक आविष्कार कॉरेल केपक, ठीक है, कॉरेल कॉमिक ने किया, के भाई जोसेफ कॉपिक, जो कि चेक भाषा का अर्थ पारिश्रमिक बधुआ मजदूर या गुलाम। ठीक है, तो रोबोटिक शब्द का वास्तविक आविष्कार करेल कमिक के भाई जोसेफ कमिक ने किया, जो कि रोबोटिक्स को चेक गणराज्य की भाषा में, चेक की भाषा में पारिश्रमिक बधुआ मजदूर या गुलाम कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, रोबोटिक्स सर्वप्रथम प्रयोग ईसाइक आशिशोवा ने 1941 में किया, फिर ईशक आशिशोवा 1950 में एक किताब आई आई रोबोट, जिसमें उसने नियम बताया। ठीक है, और रोबोटिक्स जो है विज्ञान उपन्यास साइंस फिक्शन लिबरल में किया गया है। ठीक है, तो रोबोटिक्स सर्वप्रथम प्रयोग ईशक आशिशोवा 1941 में किया गया, फिर ईशक आशिशोवा ने 1950 में एक किताब आई जिसमें आई रोबोटिक के कुछ नियम बताए गए। रोबोटिक्स में विज्ञान और उपन्यास मतलब साइंस फिक्शन लिबरल में भी किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड, रोबोटिक्स विज्ञान प्रौद्योगिकी की वह शाखा है जो इंजीनियरिंग के विभिन्न क्षेत्रों में विशेषकर मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स या कंप्यूटर विज्ञान का सम्मिश्रण है। आवश्यकता के अनुसार जैव तकनीकी, जैव इंजीनियरिंग में भी इसमें आ सकती है। ठीक है, तो दोस्तों रोबोटिक्स विज्ञान और प्रौद्योगिकी की वह शाखा जो इंजीनियरिंग के विभिन्न क्षेत्रों में विशेषकर मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स तथा कंप्यूटर विज्ञान का सम्मिश्रण है। आवश्यकता के अनुसार जैव तकनीकी तथा जैव इंजीनियरिंग भी इसमें आ सकती है। ठीक है, तो दोस्तों रोबोटिक्स रोबोट शब्द से मिला बना हुआ है, जो चेक लेखक करेल की नाटक
रूशियम यूनिवर्सल रोबोटिक्स 1920 में किया गया है। रोबोट शब्द का वास्तविक आविष्कार कारिल कमिक के भाई जोसेफ कमिक ने किया, जिसको चेक भाषा में परिश्रमी मजदूर या गुलाम बोलते हैं। ठीक है, रोबोट का सर्वप्रथम उपयोग ईसक अशोभा 1941 में किया गया, 1950 में ईसक अशी शोभा का, 1950 में आई रोबोट, इसमें नियम बताए गए। तो उसमें फिर रोबोटिक्स विज्ञान उपन्यास का साइंस फिक्शन लिबरल में किया गया। अगर आपसे ये पूछा जाए रोबोटिक्स की परिभाषा, तो रोबोटिक्स विज्ञान प्रौद्योगिकी की वह शाखा है जो इंजीनियरिंग के विभिन्न क्षेत्रों में, विशेषकर मैकेनिकल इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, इलेक्ट्रॉनिक्स तथा कंप्यूटर विज्ञान का सम्मिश्रण है। आवश्यकता के अनुसार जैव तकनीकी और जैव इंजीनियरिंग भी इसमें शामिल होते हैं। मतलब रोबोटिक्स में विज्ञान और प्रौद्योगिकी आती है, जिसमें मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर विज्ञान, जैव तकनीकी और जैव इंजीनियरिंग का मिश्रण है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक को बढ़े। 1954 में जीओजी सी ड्रेवल ने प्रथम औद्योगिक रोबोट, तो दोस्तों 1954 में प्रथम औद्योगिक रोबोट किसने बनाया? जॉर्ज सी डेबोल ने बनाया। इसी को बोलते हैं यूनिमेट। ठीक है, तो 1954 में बनाया, फिर इसी को बोलते हैं 1954 में ही यूनिमेट। और फिर आधुनिक रोबोट के पितामह जोसेफ एंजल वर्गर को बोलते हैं। ठीक है, तो आधुनिक रोबोटिक्स के पितामह जोसेफ एंजल वर्ग ने है। ठीक है, 1954 में जॉर्ज सी डोबेल को प्रथम औद्योगिक रोबोट का जनक माना जाता है। 1954 में ही यूनिमेट, और 1954 में आधुनिक रोबोटिक्स का पितामह जोसेफ एंजल वर्ग कौन है? आपसे अगर ये पूछा जाए आधुनिक रोबोटिक्स के पितामह, तो आपका जवाब होना चाहिए जोसेफ एंजल वर्गर है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, उस पीटी के हिसाब से ये पॉइंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट, एसआईआर कंपनी 1960 वाहन चलाने वाले रोबोटिक्स शय की है। ठीक है, एसआईआर कंपनी ने 1960 में वाहन चलाने वाले रोबोटिक्स का नाम क्या है? सैकी है। ठीक है, नेक्स्ट बॉबोट फर्स्ट जॉर्ज डीबोल ने बनाया, ये यूनिमेशन। ठीक है, और इसका रोबोट का निर्माण पहली कंपनी है। 1972 में बॉबोट फर्स्ट विश्व का प्रथम पूर्ण मानव सदृश रोबोटिक्स ह्यूमनॉइड रोबोटिक्स है। ठीक है, तो बाबोट फर्स्ट जॉर्ज डी बोल ने बनाया। यूनिमेशन रोबोट्स का निर्माण करने वाली पहली कंपनी कौन है? तो जवाब होना चाहिए बाबोट। और 1972 में बाबोट फर्स्ट विश्व का प्रथम मानव सदृश रोबोट ह्यूमन ह्यूमनॉइड रोबोट है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों, 1973 जर्मन ह्यूमस रोबोट ऐसा प्रथम रोबोट है जो 1930 डिग्री घूमने में सक्षम है। ठीक है, तो रोबोट अगर डेवलपमेंट देखा जाए तो 1954 में जॉर्ज सी डोबेल ने प्रथम औद्योगिक रोबोट बनाया, और फिर 1954 में यूनिमेट। आधुनिक रोबोटिक्स पिता जोसेफ एंजल बर्ग हैं। एसआर कंपनी 1960 में वाहन चलाने वाला रोबोट कौन सा है? सैकी है। फिर बावोट कंपनी ने जॉर्ज डीवेल ने रोबोट्स के निर्माण की पहली कंपनी बनाई। 1972 में बावोट फर्स्ट विश्व का प्रथम पूर्व मानव सदृश रोबोट बनाया। 1973 में जर्मनी ने फ्लूमिस रोबोट बनाया, जो ऐसे प्रथम रोबोट
जो 380 डिग्री घूमने में सक्षम है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों, HRP2M क्रोमोमेट, ये मानव शक्ल से मिलता जुलता रोबोट है। तो HRP2M क्रोमोमेट ये मानव शक्ल से मिलता जुलता रोबोट है। यह ARTलिनक्स पर काम करता है। जापान की नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस इंडस्ट्रियल साइंस टेक्नोलॉजी ने बनाया, जिसको बोलते हैं प्रगतिशील औद्योगिक विज्ञान एवं तकनीकी संस्था। ठीक है, तो HRP2M क्रोमोमेट यह मानव शक्ल से मिलता जुलता रोबोट है। ARTलिनक्स पर काम करता है। जापान की नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस इंडस्ट्रियल साइंस एंड टेक्नोलॉजी प्रगतिशील औद्योगिक विज्ञान एवं तकनीकी संस्था भी काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट फ्लेमिंग सेम्पियन 2008 में स्त्री के शक्ल से मिलता जुलता बनाया। ठीक है, ये HRP ये मानव शक्ल से मिलता जुलता और फेमी सेपियंस 2008 में स्त्री के शक्ल से मिलता जुलता बनाया। ठीक है, नेक्स्ट ईवा सिन्हा रोबोट दुनिया का पहला एंड्रॉयड रोबोट है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्री के हिसाब से ईवा सिन्हा रोबोट दुनिया का पहला एंड्रॉयड रोबोट है। ठीक है, तो इसका फीचर क्या गया है, अरबी भाषा में बातचीत कर सकता है। फिर 11वीं शताब्दी में प्रसिद्ध बहुश्रुत के नाम पे रखा गया है। नेक्स्ट, संयुक्त अरब अमीरात विश्वविद्यालय ने इंटर एक्टिविटी रोबोट एंड मीडिया लैब। ठीक है, तो ईव सिन रोबोट दुनिया का पहला एंड्रॉयड रोबोट है जो अरबी भाषा में बातचीत कर सकता है। 11वीं शताब्दी के प्रसिद्ध बहुश्रुत के नाम पर रखा गया है। संयुक्त अरब अमीरात विश्वविद्यालय के इंटरेक्टिव रोबोटिक्स एंड मीडिया लैब द्वारा बनाया गया है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट सर्वप्रथम ह्यूमनॉइड रोबोट मानवीय रोबोट होंडा कंपनी द्वारा, आशिमो एन सोनी कंपनी SDR3X SDR4X मानव आकार के रोबोट्स का निर्माण किया। तो सर्वप्रथम ह्यूमनॉइड रोबोट मानवीय रोबोट होंडा कंपनी की आशिमो कंपनी SDR3X एंड SDR4X मानव आकार का रोबोट का डेवलपमेंट किया। ठीक है, तो अगर मैं स्लाइड में बात करूं तो HRP2M क्रोमोमेट ये मानव शरीर से मिलता जुलता रोबोट है जो ARTलिनक्स पर काम करता है। जापान की नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस इंडस्ट्रियल साइंस टेक्नोलॉजी प्रगतिशील औद्योगिक विज्ञान एवं तकनीकी राष्ट्रीय संस्थान पर काम करता है। फेमी सेस्पियंस 2008 में स्त्री के शक्ल से मिलता जुलता रोबोट है। नेक्स्ट, ईव सिन रोबोट दुनिया का पहला एंड्रॉयड रोबोट है जो अरबी भाषा में बातचीत करता है और 11वीं शताब्दी प्रसिद्ध बहुमत के नाम पर रखा गया है। संयुक्त अरब अमीरात विश्वविद्यालय इंटरेक्टिव रोबोट एंड मीडिया लैब बनाया गया है। नेक्स्ट, सर्वप्रथम ह्यूमनॉइड रोबोट मानवीय रोबोट होंडा कंपनी ने आशिमो एंड सोनी कंपनी ने मिलकर SDR3X एंड SDR4X मानव आकार का रोबोट का विकास किया। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट सोफिया ये मानव सदृश बुद्धिमान रोबोट है जो विश्व का सर्वाधिक उन्नत रोबोट और विकास हैंसन रोबोटिक्स कंपनी हांगकांग ने किया। ठीक है, तो सोफिया रोबोट मानव सदृश बुद्धिमान रोबोट है। यह विश्व का सर्वाधिक उन्नत रोबोट है जिसका विकास हैंसन रोबोटिक्स कंपनी ने हांगकांग की कंपनी ने किया। ठीक है, नेक्स्ट मार्च ऑफ द मशीन्स यह विज्ञान कथा साइंस
फिक्शन लंदन के प्राध्यापक केविक वर्विक नीली, ठीक है। तो मार्च ऑफ द मशीन्स विज्ञान कथा लंदन के प्राध्यापक लंदन लग ब्रिटेन के केविन वर्विक ने लिखा, ठीक है। नेक्स्ट डेंडेंट सेकंड के नाम के रोबोट का अलास्का स्थित ज्वालामुखी में घुसकर महत्वपूर्ण अनुसंधान किए, ठीक है। डेंडेंट सेकंड नाम के रोबोट ने अलास्का स्थित ज्वालामुखी में घुसकर महत्वपूर्ण अनुसंधान किए, ठीक है। नेक्स्ट विश्व का पहला रोबोट पुलिस अधिकारी कौन है? तो रोबोकॉम दुबई का है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपसे पूछा जाएगा कि विश्व का पहला रोबोट पुलिस अधिकारी कौन है? तो दुबई का रोबोकॉप है, ठीक है। तो विश्व का पहला रोबोट पुलिस अधिकारी कौन है? अगर जवाब होना चाहिए रोबोकॉप दुबई, ठीक है। नेक्स्ट जेन बोट्स 2020 यूएसए दुनिया का पहला सजीव रोबोट है, ठीक है। तो अगर आपसे ये पूछा जाए दुनिया का पहला सजीव रोबोट कौन है, तो जिन जिन बोट्स 1920 में यूएसए ने किया, ठीक है। इसका निर्माण किसने किया दोस्तों? तो निर्माण नोकदार पंजे वाले अफ्रीकी मेंढक की कोशिकाओं से किया गया है। इसका जलीय मेंढक की प्रजाति जोनिस लॉविस के नाम से जानी जाती है, जो अफ्रीका सहारा मरुस्थल में पाई जाती है, ठीक है। दुनिया का पहला सजीव रोबोट यूएसए ने किस नाम से बनाया है? जिन बोट्स का, जिन बोट्स के नाम से बनाया है। इसका निर्माण नोकदार पंजे वाले अफ्रीका मेंढक की कोशिकाओं से अलग किया जाता है, ठीक है। इस जलीय मेंढक की प्रजाति जो जोनोपोस लॉरिस के नाम से जानी जाती है, जो अफ्रीका सहारा मरुस्थल में पाई जाती है, ठीक है दोस्तों। तो सोफिया मानव सदृश बुद्धिमान का रोबोट है, जो विश्व की सर्वाधिक उन्नत रोबोट है। इसका विकास हिंसन रोबोटिक्स कंपनी हांगकांग ने किया। फिर आता है मार्च ऑफ द मशीन्स विज्ञान कथा साइंस फ्रिक्शन लंदन के प्राध्यापक केविन वर्विक ने किया, ठीक है। नेक्स्ट डेंडेट सेकंड ने नाम के रोबोट जिसका अलास्का स्थित ज्वालामुखी में घुसकर महत्वपूर्ण अनुसंधान किया। अगर आपसे ये पूछा जाए विश्व का पहला रोबोट अधिकारी कौन है? तो रोबोकॉप दुबई का है। अगर ये पूछा जाए दुनिया का पहला सजीव रोबोटिस्ट कौन है? तो जेन बोट से है, 2020 का यूएसए में बनाया गया। इसका निर्माण कैसे हुआ? तो नोकदार पंजे वाला अफ्रीकी मेंढक की कोशिकाओं से किया गया है। इस जली मेंढक की प्रजाति जेन पोस लॉविस के नाम से जानी जाती है, जो अफ्रीका फार्म में पाई जाती है, ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों अब देखेंगे रोबोटिक्स की प्रोग्रामिंग, ठीक है। रोबोटिक्स में कैसे कैसे प्रोग्रामिंग की गई है, सरकार कैसे डेवलपमेंट हुआ, तो एग्जाम के हिसाब से इम्पोर्टेंट वो जो हम वही पढ़ेंगे दोस्तों, ठीक है। तो पहला फर्स्ट रेडियो कंट्रोल मतलब रेडियो नियंत्रण रोबोटिक्स में पूर्व निर्धारित आदेशों की सूची निहित होती है। जब भी इन्हें स्रोत से सिग्नल प्राप्त होगा, ये वही पूर्ण निर्धारित आदेश का पालन करेंगे, अर्थात रेडियो नियंत्रित होते हैं, ठीक है। तो रेडियो कंट्रोल रोबोटिक्स में पूर्व निर्धारित आदेशों की सूची निहित होती है। जब भी इन्हें स्रोत से सिग्नल प्राप्त होगा, ये वही पूर्व निर्धारित आदेश का पालन करेंगे, अर्थात ये रेडियो नियंत्रित होते हैं, ठीक है। सेकंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कृत्रिम बुद्धिमत्ता इससे युक्त तो रोबोट सामने आने वाली समस्याओं के संदर्भ में विश्लेषण करके समस्या का समाधान निकालते हैं, ठीक है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसको हिंदी में बोलते हैं कृत्रिम बुद्धिमत्ता, इससे युक्त रोबोट
रोबोट सामने आने वाली समस्याओं के संदर्भ में विश्लेषण कर समस्या का समाधान निकालते हैं, ठीक है। थर्ड, हाइब्रिड एक प्रकार का प्रोग्राम है। इसमें रेडियो कंट्रोल तथा कृत्रिम बुद्धिमत्ता दोनों का सहयोग लिया जाता है, ठीक है। तो हाइब्रिड रोबोट में क्या होता है, यह एक प्रकार का प्रोग्राम है जिसमें रेडियो कंट्रोल तथा कृत्रिम बुद्धिमत्ता दोनों सहयोग लिया जाता है, ठीक है। हमने भी यहाँ पे तीन चीजें पढ़ी दोस्तों रोबोटिक्स प्रोग्राम में। पहला, रेडियो कंट्रोल। इसमें रेडियो कंट्रोल में रोबोट में पूर्व निर्धारित आदेशों की सूची निहित होती है। जब भी इन्हें स्रोत से सिग्नल प्राप्त होगा में वही पूर्व निर्धारित आदेश का पालन करेंगे, अर्थात ये रेडियो नियंत्रित होते हैं, ठीक है। रोबोटिक्स प्रोग्रामिंग में इसमें में सेकंड है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कृत्रिम बुद्धिमत्ता। इसमें इससे युक्त रोबोटिक्स आमने सामने आने वाली समस्याओं के संदर्भ में विश्लेषण करके समस्या समाधान निकालते हैं। थर्ड, हाइब्रिड यह एक प्रकार का प्रोग्राम है जिसमें रेडियो कंट्रोल तथा कृत्रिम बुद्धिमत्ता दोनों का सहयोग लिया जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं दोस्तों रोबोट के अंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें पहला पॉइंट है रोबोट को हाथों में एंड इफेक्ट भी कहा जाता है, ठीक है। रोबोट के हाथों को एंड इफेक्ट भी कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, रोबोट के बाजू या बाएं को मैनिपुलेट किया जाता है, ठीक है। तो रोबोट के बाजू या बाहों को मैनिपुलेट किया जाता है। थर्ड, गति प्रेरक या एक्चुएटर्स रोबोट की मांसपेशियों तथा जोड़ने को कार्य करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, सभी रोबोट में एक प्रकार के मैकेनिकल संरचना स्वरूप आकृति पाई जाती है जो कि रोबोट्स को ढांचागत व्यवस्था के रूप में कार्य करती है, ठीक है। नेक्स्ट, रोबोट में एक इलेक्ट्रिकल भाग भी होता है जो कि तारा सेंसर बैटरी आदि के रूप में प्रयोग होती है। तो रोबोट में एक इलेक्ट्रिकल भाग भी होता है जो कि तार सेंसर बैटरी आदि के रूप में प्रयोग होता है। नेक्स्ट, सभी रोबोट में किसी न किसी प्रकार का कंप्यूटर प्रोग्रामिंग होती है, अर्थात एक प्रोग्राम जिसके द्वारा रोबोट यह निर्णय लेता है उसे कब क्या कैसे करना है, ठीक है। तो दोस्तों रोबोट के अंग में क्या है, तो रोबोट के हाथों को एंड इफेक्टिव कहा जाता है और रोबोट के बाजू या बाहों को मैनिपुलेटर कहते हैं। नेक्स्ट, गति प्रेरक या एक्चुएटर्स रोबोट की मांसपेशियों तथा जोड़ों का कार्य करते हैं। नेक्स्ट, सभी रोबोट में एक प्रकार के मैकेनिकल संरचना स्वरूप या आकृति पाई जाती है जो कि रोबोट के ढांचेगत व्यवस्थाओं के रूप में कार्य करता है, ठीक है। नेक्स्ट, रोबोट में एक इलेक्ट्रिकल भाग भी होता है जो कि तार सेंसर बैटरी आदि के रूप में कार्य करता है। नेक्स्ट, सभी रोबोट में किसी न किसी प्रकार का कंप्यूटर प्रोग्रामिंग होती है, अर्थात एक प्रोग्राम जिसके द्वारा रोबोट यह निर्णय लेता है उसे कब क्या कैसे क्या करना है, ठीक है। अब देखते हैं संस्थागत इसमें क्या 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 डेवलपमेंट हुआ दोस्तों। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। IFR, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ रोबोटिक्स, अंतर्राष्ट्रीय रोबोटिक्स संघ, यह गैर लाभकारी अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। इसका गठन 1987 में किया गया। मुख्यालय फ्रैंकफर्ट जर्मनी। उद्देश्य, विश्व में रोबोटिक्स व्यवसाय को बढ़ावा देना, मजबूत करना, सुरक्षा प्रदान करना। इस समूह में चीन 56% रोबोटिक्स खरीदार पहले स्थान पर है। तो दोस्तों IFR इसको बोलते हैं, आई मतलब इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ रोबोटिक्स, ठीक है। ये नॉन प्रॉफिट अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, ठीक है। गठन कब हुआ, तो 1987 में।
मुख्यालय कहाँ है? तो ये फ्रैंकफर्ट जर्मनी में है। जर्मनी कहाँ है दोस्तों, आपको पता होना चाहिए। यूरोप में है। इसका उद्देश्य विश्व में रोबोटिक व्यवसाय को बढ़ावा देना, मजबूत करना, सुरक्षा प्रदान करना। इस समूह में चीन 56% रोबोट खरीदकर पहले स्थान पर है। नेक्स्ट, रोबोट के अवयव इसमें पहला है शक्ति का स्रोत, सेकंड प्रवर्तक, थर्ड सेंसर, फोर्थ प्रचालक, फिफ्थ गतिशीलता, सिक्स नियंत्रक। तो इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ रोबोटिक्स, अंतरराष्ट्रीय रोबोटिक्स संस्था का गठन 1987 में फ्रैंकफर्ट जर्मनी में किया गया। यह गैर लाभकारी अंतरराष्ट्रीय संस्था है। इस समूह में चीन 56% रोबोट खरीदने में पहले स्थान पे है। तो रोबोट्स के अवयव कौन कौन से हैं? तो पहला शक्ति का स्रोत, ठीक है, फिर प्रवर्तक, फिर सेंसर, फिर प्रचालक, फिर गतिशीलता, फिर नियंत्रक, ठीक है। तो अंतरराष्ट्रीय फेडरेशन रोबोटिक्स 1987 में फ्रैंकफर्ट जर्मनी में किया गया। ये गैर लाभकारी अंतरराष्ट्रीय संस्था है। रोबोट के अवयव 6 अवयव हैं: शक्ति का स्रोत, प्रवर्तक, सेंसर, प्रचालक, गतिशीलता, नियंत्रक, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ रोबोटिक्स, रोबोट का वर्गीकरण, तो इसको हम पहला वर्गीकरण है स्टेशनरी रोबोट, ठीक है, स्टेशनरी रोबोट, ठीक है। सेकंड, व्हील रोबोट, पहिए वाला रोबोट। तो दोस्तों व्हील रोबोट में, पहिए वाला रोबोट में स्प्रिंकिंग रोबोट, स्पाइकिंग रोबोट, सिंगल व्हील रोबोट, एक पहिए वाला रोबोट, इसको बोलते हैं वर्ल्ड रोबोट, ठीक है। 2005 में पहला वर्ल्ड रोबोट प्रोफेसर रॉल्फ हेलियो यूसेन ने बनाया। ओमनी व्हील्स, कई सारे पहियों को मिलाकर एक बड़ा पहिया बनाया गया। तो व्हील रोबोट, पहिए वाला रोबोट, इसको बोलते हैं स्पाइन रोबोट। सिंगल व्हील रोबोट, एक पहिए वाला रोबोट, वो ही वर्ल्ड रोबोट भी बोलते हैं। 2005 में पहला वर्ल्ड रोबोट या सिंगल व्हील रोबोट प्रोफेसर राल्फ होलिस यूसी ने बनाया। ओमिन व्हील्स, कई सारे पहियों को मिलाकर एक बड़ा हिस्सा बनाया गया, ठीक है। थर्ड, लीगल रोबोट, पैर वाला रोबोट, यह मोबाइल रोबोट का एक प्रकार है, जो हम्पिंग रोबोट या मोनोपेडल रोबोट, जिसे पोम स्टिक रोबोट भी कहते हैं, ठीक है। तो लीगल रोबोट को ही मोबाइल या होमपिंग रोबोट या मोनोपेडल रोबोट या पोगो स्टिक रोबोट भी कहते हैं, ठीक है। तो लीगल रोबोट, पैर वाला रोबोट, यह मोबाइल रोबोट का एक प्रकार है, जो होमपिंग रोबोट या मोनोपेडल रोबोट, जिसे पोगो स्टिक रोबोट भी कहते हैं, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन में हम यहाँ 3 रोबोट देखा: स्टेशनरी रोबोट, व्हील रोबोट, इसको बोलते हैं स्पिनिंग रोबोट, इसमें सिंगल व्हील रोबोट में एक पहिए वाला को ही वर्ल्ड रोबोट बोलते हैं, जिसको 2005 में यूएसए की रॉल्फ होलिस ने यूएसए में बनाया। ओमनी व्हील्स, कई प्रकार के पहियों से मिलकर एक बड़ा हिस्सा बनता है। लीगल रोबोट, पैर वाला रोबोट, इसको मोबाइल रोबोट का एक प्रकार है, इसको होमपिंग रोबोट या मोनोपेड रोबोट या पोंगो स्टिक रोबोट भी बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, वाइट वाइट रोबोट,
यह मनुष्य के समान दिखने वाला रोबोट है जो होंडा का या सोनी का क्यूरियो वाइल्ड रोबोट का उत्कृष्ट उदाहरण है। ठीक है, तो वाइल्ड रोबोट ये मनुष्य के समान दिखने वाला रोबोट होता है जो होंडा का इस्मियो और सोनी का क्यूरियो वाइल्ड रोबोट का उत्कृष्ट उदाहरण है। ठीक है, इसके दो हैं, कौन है? एक होंडा का है, होंडा का इस्मियो, और सोनी का कौन सा है दोस्तों? तो क्यूरियो। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं, रोमेला द्वारा बनाया गया मतलब सेल्फ स्टेप ट्रिपिकल डायनेमिक एक्सपेरिमेंटल रोबोट, तीन पैर वाला रोबोट है। रोमेला द्वारा बनाया गया सेल्फ स्टेप ट्रिपिकल डायनेमिक एक्सपेरिमेंटल रोबोट। ठीक है, तो इसमें पहला है सैन रोबोट वीक डॉग। सैन रोबोट विग डॉग यह क्वाड्रोपेडल रोबोट का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। नेक्स्ट डार्पा, यह एक तार विहीन संचार तकनीक की सहायता से अपनी सेना को विभिन्न प्रकार की सूचनाएं प्रदान करता है। ठीक है, तो टारपा यह तार विहीन संचार तकनीक की सहायता से अपनी सेना को विभिन्न प्रकार से सूचनाएं प्रदान करता है। ठीक है, तो ट्राइपेड रोबोट रोमेला का सेल्फ स्टेक ट्राइपेड डायनेमिक एक्सपेरिमेंटल रोबोट, विग डॉग रोबोट टारपा तार विहीन संचार तकनीकी की सहायता से अपनी सेना विभिन्न प्रकार की सूचनाएं प्रदान करता है। फोर्थ पर आते हैं स्विमिंग रोबोट, ये ऑटोनोमी अंडर वाटर व्हीकल, ये बिना किसी ऑपरेटर के निर्देश में पानी के भीतर तैर सकते हैं। स्विमिंग रोबोट ऑटोनोमी अंडर वाटर व्हीकल, ये बिना किसी ऑपरेटर के निर्देश से पानी के भीतर अंदर तैर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पैक्स वेव ग्लाइडर या पापा माऊ सेंस फ्रांसिस्को यूएसए के क्वींसलैंड ऑस्ट्रेलिया तक 9,000 नॉटिकल माइल्स तक ही हर जगह तैर कर पार कर सकते हैं। इस प्रोजेक्ट के पीछे अमेरिका कंपनी लिक्विड रोबोटिक्स थी। इसे पापा माउ का प्रयोग उच्च रिजोल्यूशन द्वारा भूतपूर्व समुद्री आंकड़ों के जुटाने के लिए किया जाता है। इससे प्रशांत महासागर से इकोसिस्टम के बारे में जानते में सहायता मिलती है। ठीक है, पैक्स वेव ग्लाइडर सैन फ्रांसिस्को यूएसए के क्वींसलैंड ऑस्ट्रेलिया तक 9,000 नॉटिकल माइल्स तक ही हर जगह तैर कर पार कर सकते हैं। इस प्रोजेक्ट के पीछे अमेरिकी कंपनी लिक्विड रोबोटिक्स है। इसे पापा माओ का प्रयोग उच्च रिजोल्यूशन द्वारा अभूतपूर्व समुद्री आकृति जुटाने में किया जाता है। इससे प्रशांत महासागर में इकोसिस्टम के बारे में जानकारी और सहायता मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट फेस्टोफिश, फेस्टोफिश ये मछली की तरह डिजाइन की गई है। इसमें उल्लेखनीय है कि फेस्टो स्टैंडर्ड पर बड़े टैंक्स पर इर्द गिर्द रेडियो नियंत्रण के अंतर्गत बुलबुले छोड़ते हुए तैराकी करना। ठीक है, तो फेस्टोफिश यह मछली की तरह डिजाइन किया गया है। इसमें उल्लेखनीय है कि फेस्टो स्टैंड के इर्द गिर्द रेडियो नियंत्रण का बुलबुले छोड़े हुए ना हुए तैराकी करना। ठीक है, इसमें अब आते हैं नेक्स्ट आते हैं AUV, गुमशुदा हवाई जहाजों को पता लगाने के लिए इन रोबोट्स को पैदा किया जाता है। AUV, तो गुमशुदा हवाई जहाजों को पता लगाने के लिए इन रोबोट को पता लगे रोबोट का उपयोग किया जाता है। एग्जाम्पल एयर फ्रांस फ्लाइट A44 का पता लगाने के लिए समुद्रों में एविल्स रोल नामक USB का प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो एयर फ्रांस फ्लाइट का 447 का पता लगाने के लिए समुद्र में एविस रोल नामक AUV का प्रयोग किया गया है। ठीक है, फिफ्थ
पॉइंट, फ्लाइंग रोबोट, उड़ने वाला रोबोट, फ्लाइंग रोबोट, ठीक है। इसमें पहला पॉइंट है, बिना मनुष्य के सवारी वाले भारी या हल्के विमान रोबोट अनमैन्ड एरियल व्हीकल के नाम से जाने जाते हैं, ठीक है। फ्लाइंग रोबोट में उड़ने वाले रोबोट, बिना मनुष्य की सवारी वाले भारी या हल्के विमान रोबोट अनमैन्ड एरियल व्हीकल के नाम से जाने जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, एयर परिवहन, एयर रे, एयर ज्वेलरी अत्यंत हल्के उड़ाकू रोबोट होते हैं जो पेल्स सोनार्स ऊर्जा प्राप्त करते हैं। जर्मनी कंपनी ने फेस्टो नामक बायो मशीन इनियल वैन बनाने का प्रयास किया, ठीक है। तो दोस्तों, एयर पिगविन, एयर अरे एयर जेली अत्यंत हल्के उड़ने वाले रोबोट हैं जो पैडल्स सुनार ऊर्जा प्राप्त करते हैं, जो जर्मनी की कंपनी फेस्टो ने बायोनिक मरीन एनिमल बायोनिक मरीन एनिमल बनाने का प्रयास किया, ठीक है। इसी में नेक्स्ट पॉइंट, सैन्य उपयोग के लिए उड़ाने वाले रोबोट में क्रूज मिसाइल, एंट्रो मोटर, एप्सन माइक्रो हेलीकॉप्टर, एप्सन माइक्रो रोबोट, ठीक है। तो सैन्य उपयोग के लिए उड़ने वाले रोबोट में क्रूज मिसाइल, एंट्रो मोटर या एप्सन माइक्रो हेलीकॉप्टर रोबोट बनाया गया, ठीक है। नेक्स्ट, जो रोबोट अपने पंखों की सहायता से पक्षियों की भांति उड़ते हैं उन्हें अनिर्थोप्टर कहते हैं, ठीक है, अनिर्थोप्टर कहते हैं। तो जो रोबोट अपने पंखों की सहायता से पक्षियों की भांति उड़ते हैं उन्हें अनिर्थोप्टर कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, स्मार्ट बर्ड या एक स्वायत्त अनिर्थोप्टर है जिससे हेरिंग गल पर डिजाइन किया गया है। अप्रैल 2011 में हेन ओवर मेले में ऑस्ट्रेलिया हुनर फेयर ऑस्ट्रेलिया में प्रदर्शित किया गया, ठीक है। स्मार्ट वर्ड में कौन सा दोस्तों, हेरिंग गल अप्रैल 2011 में कहाँ किया गया, ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। नेक्स्ट, स्मार्ट विन प्रोजेक्ट का लक्ष्य उड़ने वाले रोबोट का एक स्वार्म बनाना है जो आपदा ग्रस्त क्षेत्रों में डिप्लॉय करके सुरक्षित बचे लोगों के लिए त्वरित संचार सुविधा उपलब्ध करा सके, ठीक है। तो स्वान नेट प्रोजेक्ट का लक्ष्य उड़ने वाले रोबोटिक्स का एक स्वार्म बनाना है जो आपदा ग्रस्त क्षेत्रों में डिप्लॉय करके सुरक्षित बचे लोगों को त्वरित संचार सेवा उपलब्ध करा सके, ठीक है। नेक्स्ट, डेलफ्लाई या डेल्टा यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी की माइक्रो एयर व्हीकल लैब विग्निजेन यूनिवर्सिटी यूनिवर्सिटी द्वारा विकसित कैमरे संयुक्त पूर्ण नियंत्रण माइक्रो एयर व्हीकल अनिर्थोप्टर, माइक्रो एयर व्हीकल और ओरिथोप्टर। तो डेलफ्लाई यह एक डेल्टा यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी की माइक्रो एयर व्हीकल लैब तथा विग्निजेन यूनिवर्सिटी द्वारा विकसित कैमरे संयुक्त पूर्ण नियंत्रण माइक्रो एयर व्हीकल या अनिर्थोप्टर कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, रोबो मधुमक्खी, रोबो वी ये एक छोटा रोबोट थ्रेट उड़ान के लिए सक्षम है जो हार्वर्ड विश्वविद्यालय की रोबोटिक शोध टीम ने विकसित किया है। रोबो वी एक छोटा रोबोट थ्रेट उड़ान के लिए सक्षम है जो हार्वर्ड विश्वविद्यालय की रोबोटिक शोध टीम ने विकसित किया है, ठीक है। नेक्स्ट, सिक्स, मोबाइल स्फेरिकल रोबोटिक्स, मोबाइल स्फेरिकल रोबोटिक्स या रोबोटिकल बॉल एक ऐसा रोबोट है जो पूर्ण एक आवरण सर्कल के अंदर बनाया जाता है जिसे टम्बल्ड वॉल
नासा द्वारा जेट के प्रोमोशनल लैब द्वारा निर्मित रोबोटिक्स बॉल प्रोटोटाइप AI अंतरिक्ष यात्रियों के लिए और उनके उपकरणों को अंतरिक्ष में सुरक्षा देने के लिए बनाया गया है। ठीक है, तो मोबाइल स्फेरिकल रोबोट या रोबोटिकल बॉल यह एक ऐसा रोबोट है जो पूर्णतः एक अनावरण स्फेरिकल के अंदर बनाया जाता है, जिससे टम्बल वीड बॉल नासा के जेट प्रोपल्सन लैब द्वारा निर्मित रोबोटिक्स बॉल प्रोटोटाइप है। यह अंतरिक्ष यात्रियों व उनके उपकरणों को अंतरिक्ष में सुरक्षा देने के लिए बनाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट प्रोटोनस ग्राउंड रोबोट एक गोलाकार आकृति वाला निगरानी रोबोट है। यह रिमोट संचालित अनमैन्ड ग्राउंड व्हीकल दलदल बालू बर्फ पर चलने वाला पानी पतने के में सक्षम है। ठीक है, तो प्रोटोनस ग्राउंड रोबोट गोलाकार आकृति वाला निगरानी रोबोट है। यह रोबोट रिमोट संचालित अनमैन्ड ग्राउंड व्हीकल दलदल दलदल में या बालू में बर्फ पर चलने वाले या पानी में तैरने में सक्षम है। ठीक है, सेवंथ स्वर्म रोबोट ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा 1024 रोबोट का समूह का निर्माण किया गया है, जो स्वयं व्यवस्थित सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन रोबोट समूह को राधिका नागपाल की प्रयोगशाला में बनाया गया है। ठीक है, तो स्वर्म रोबोट ये हार्वर्ड वेस्टर्न में 1024 रोबोट के समूह का निर्माण किया गया है। यह स्वयं व्यवस्थित सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग रोबोट समूह राधिका नागपाल के प्रयोग में बनाया गया है। ठीक है, आठवां माइक्रो रोबोटिक्स यह सूक्ष्म रोबोटिक्स का क्षेत्र है, जो एक मिलीमीटर से कम क्षेत्र की विशेषता वाले मोबाइल रोबोट होते हैं। बीरोबिट जो माइक्रोमीटर आकार में पदार्थ को संचालित करने में सक्षम होते हैं माइक्रो रोबोट कहलाते हैं। माइक्रोबायोटिक्स रोबोट का एक शाखा है जो सक्षम रोबोट के अध्ययन से संबंधित है। ठीक है, तो माइक्रो रोबोट यह एक सूक्ष्म रोबोटिक क्षेत्र है, जो एक मिलीमीटर से कम क्षेत्र की विशेषता वाले मोबाइल रोबोट होते हैं। रोबोट जो माइक्रोमीटर के आकार के पदार्थ को संचालित करने में सक्षम होते हैं माइक्रो रोबोट कहलाते हैं। माइक्रोबायोटिक्स या रोबोटिक्स की एक वैसा का जो सूक्ष्म रोबोटिक के अध्ययन से संबंधित है। ठीक है, तो आज हमने क्या क्या पढ़ा समराइज कर लीजिए एक बार आप। ठीक है दोस्तों, तो रोबोटिक्स का विकास कैसे हुआ, क्या हुआ, फिर 1954 में, ठीक है, फिर फेमसियन 2008 में, फिर सोफिया हांगकांग बनाया है, विश्व का सर्वाधिक उन्नत रोबोट है। ठीक है, विश्व का पहला रोबोट सुविधा अधिकारी रोबोकॉप दुबई, जेन बोट दुनिया का पहला सजीव रोबोट 2020 में बनाया गया यूके द्वारा। फिर रोबोट की प्रोग्रामिंग तीन तरीके से की जाती है, पहला रेडियो कंट्रोल, फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तीसरा हाइब्रिड। रोबोट के क्या क्या अंग हैं, अंतर्राष्ट्रीय रोबोट संघ 1987 में बनाया गया, एक गैर लाभकारी अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। ठीक है, फिर इसका क्लासिफिकेशन स्टेशनरी रोबोट, व्हील रोबोट, लीगल रोबोट, स्विमिंग रोबोट। ठीक है, फिर फ्लाइंग रोबोट। ठीक है, सिक्स मोबाइल स्फेरिकल रोबोट, सेवन स्वर्म रोबोट, एट माइक्रो रोबोट। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हिट द बेल आइकन बटन, सब्सक्राइब द चैनल, लाइक एंड शेयर द वीडियो। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।